सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 14 जुलाई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर बहादुर देउबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस पार्टी के हैं और इन्होंने केपी शर्मा ओली की जगह ली है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी घाघरा नदी है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्यकरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश यहाँ पर शीर्ष पर रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। और इस योजना में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के टॉप 3 राज्य हैं, फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश है, सेकंड पर हिमाचल प्रदेश और थर्ड पर आंध्र प्रदेश है। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। अरुंधति और मैत्रेय योजना कर्नाटक राज्य ने इसका अनावरण किया है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। पंख योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बैड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं पदम कुमार माधवन, सी आपका आंसर हो जाएगा। बैड बैंक क्या है? बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देवताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक को मुंबई में पंजीकृत किया गया है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कुल 16 बैंक बैड बैंक बनाने को लेकर सहमत हो गए हैं। ये सभी बैंक इक्विटी कैपिटल के तौर पर कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। NARCL में प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक भी हिस्सेदार होंगे। RBI भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI बैंक की स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में गवर्नर शशिकांत दास हैं। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर हैं। बैंकों का बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर का नाम था सर ओसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया
गया है ताड़ का वृक्ष रॉयल बंगाल टाइगर को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया था। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। हैदराबाद का हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, जो अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन हजार लोगों को खाना खिला रहे हैं, को यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सैयद उस्मान अजहर मखसूसी के प्रयासों का सम्मान करने के लिए उन्हें उनके अभियान जो दैनिक आधार पर 1500 लोगों को खाना खिलाने में मददगार है के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए है जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? जॉर्डन क्लार्कसन ने ये खिताब जीता है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? नितिन राकेश और जेरी विंड को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को यहाँ पर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड ड्यूप को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया? इंदौर और सूरत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्विटर ने किसे भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को यहाँ पर नियुक्त किया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, स्थापना 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया है, संस्थापक CEO जैक डार्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा जयराम रमेश ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ट्रेल ऑफ टाइगर उद्धव ब्लास है, थेकरी इज जर्नी पुस्तक राधेश्याम यादव ने लिखी है। दी लिविंग माउंटेन पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखा है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक को प्रदीप गुप्ता ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट दी जर्नी टू ट्रंप एंड ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक को आदिल जल दरोखन वाला ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? समीर बनर्जी ने खिताब जीता है, भी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के समीर बनर्जी ने नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इनकी आयु 17 वर्ष है। इन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब में ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए जूनियर पुरुष फाइनल में अमेरिका के विक्टर लेलोव को 7-5, 6-3 से हराया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन भी शामिल हैं। यह टूर्नामेंट 1877 से विंबलडन लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पटना में, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है, भी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा। इस अनुसंधान केंद्र का खुलना लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया था, जिसे गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए शुरू किया गया था। यह एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम है। यह परियोजना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गुजरात राज्य में, ये आपका आंसर हो जाएगा। आषाढ़ी बीज कच्छ नव पर्व हर साल आषाढ़ महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है और 2021 में यह 12 जुलाई को मनाया गया है।
यह हिंदू नव वर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मनाया जाता है। कच्छी नव वर्ष एक पारंपरिक उत्सव है और घरों में मनाया जाता है। यह त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य क्षेत्रीय देवताओं की पूजा भी की जाती है। 2021 में मनाए गए टॉप 5 महोत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस राज्य ने नया साल का त्यौहार पोइला बोईसाख मनाया है? पश्चिम बंगाल ने मनाया। सिंधु दर्शन महोत्सव आयोजित हुआ है लद्दाख में। राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? यह उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा में किया गया है। बोनालू पर्व तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया। यशपाल शर्मा उस टीम इंडिया का हिस्सा थे जिसने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। यशपाल शर्मा के निधन के बाद खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में झारखंड का राज्यपाल किसे बनाया गया है? रमेश बैस को यहाँ पर हाल ही में झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत से कौन शामिल हुआ है? भारत से शामिल हुआ है निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतालवी प्रेजिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया है। द रामायण आप श्री गुरु गोविंद जी की पहली प्रीति किसे प्रदान की गई है? नरेंद्र मोदी को प्रदान की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता KTS तुलसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी दिवंगत माँ बलजीत कौर की लिखी किताब द रामायण आप श्री गुरु गोविंद जी की पहली प्रीति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव में अभी अहमद ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, तो ये जीत हासिल की है इथोपिया में। इथोपिया की सत्तारूढ़ प्रॉस्पेरिटी पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमत से विजेता घोषित किया गया है। इथोपिया राजधानी अदीस अबाबा, मुद्रा इथोपियन बिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है। अर्जेंटीना का नेतृत्व करने वाले लियोनेल मेसी ने नेमार के ब्राज़ील को 1-0 से हराकर रियो डी जेनेरो के मैराकाना स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीता है। इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हासिल कर ली है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, मुद्रा अर्जेंटीनी पैसो, राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोलैंड में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नगमा मलिक को नियुक्त किया गया है। नगमा मलिक पोलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त की गई हैं। 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। पोलैंड की राजधानी वर्साव है, मुद्रा पोलिस फ्लाटी है, राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंग्लैंड को हरा कर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया? इटली ने ये खिताब जीत लिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया है। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति सर्जियो मार्टरेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अभिनेता एवं लोकप्रिय हास्य कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? माधव मोघे का यहाँ पर निधन हो चुका है। डी आपका आंसर हो जाएगा। माधव ने पार्टनर दामिनी घातक, मैंने प्यार क्यों किया जैसी बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? महमूदुल्लाह ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने का फैसला लिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, स्थापना 26 मार्च 1971 को। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। भारत और बांग्लादेश के बीच
चिलहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को बहाल किया गया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया है। विश्व बैंक ने किस बांग्लादेश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं। अमर एकूसी पुस्तक मेले का उद्घाटन ढाका में किया गया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बांग्लादेश को 100 मुजीब जैकेट भेजे हैं। शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाल ही में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सीएम एन वीरेन सिंह है। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 60 है। जनजातियाँ कुकी मैठी या मैठी नागा अंगामी हैं। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर स्थित है जो कि सिरोही में है। राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। मणिपुर के काले चावल जिसे चाखाओ को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का किया उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है। राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना की शुरुआत की है। राज्य ने 1 एम पेंशन ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं। मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? शेर बहादुर देउबा को यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। भारत ने नेपाल में नए स्कूल भवन का निर्माण करने के लिए 44.17 मिलियन रुपये का अनुदान दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में। पोर्ट व्हीलर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? अत्यधिक मत्स्य के कारण ये मृत हो रही है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा? सोडियम क्लोराइड है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुँचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात के। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए ये विख्यात है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते? गैलीलियो ने कहा। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना ट्रेंच यहाँ पर सबसे गहरा गर्त है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।